ओके प्लीज साइलेंस, बात बंद। देखो तो मैं अगर अभी तक के मेंस के पेपर को देखा जाए, नीट में तो देखो हर चीज़ आनी है, वो तो आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ नहीं, बस सब कुछ आना आपको। तो जो मेंस के स्टूडेंट हैं, अगर वैसे ही ट्रेंड चला जैसे चल रहा है, तो एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर, एक कम्युनिकेशन दो, एक क्वेश्चन यूनिट्स या एरर्स या एक्सपेरिमेंट में से तीन, चौथा क्वेश्चन आएगा काइनेमेटिक्स का चार, और एक क्वेश्चन ईएमवीएस का पांच। अगर कुछ ना किया जाए, सिर्फ दो दिन लगाए जाएं, एक ही दिन रादर, दो भी नहीं एक दिन, तो एक दिन के अंदर से पांच क्वेश्चन निकालने का पोटेंशियल तो बस ये चैप्टर ही रखते हैं। तो आपके खुद देख लो कि किस तरीके से आपको, मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से स्टडी किया जाए तो आसान है। तो आज देखते हैं, अगर किस्मत सही बैठी और ठीक तरीके से पेपर बना जैसे नॉर्मल बनता है, तो देखते हैं फिर क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ वो नया देखो जो, ओके स्टार्ट करते हैं विद काइनेटिक्स एंड वेक्टर्स। इससे भी पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स वाली असाइनमेंट भी थी, ये वाली है यूनिट्स वाली असाइनमेंट, या उनको बोलना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे असाइनमेंट्स। देखो इसमें अगर मैं पुराने पेपर्स को तो एक क्वेश्चन यूनिट्स और एरर्स का इजी आया हुआ है। मुस्कान स्कैन की है, मुस्कान ये स्कैन की है ना, 600 डीपीआई पे नहीं हुआ, 200 पे किया है, क्लियर नहीं है, आगे से 200 फिर से करना है एक बार, से अभी काम चल जाएगा। देखो डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड, क्वेश्चन आया है आगे देखो, डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, वैसे जिन्होंने एरर्स जो भूल चुके हैं, कि एरर्स का सिंपल रूल है कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनके एरर्स भी आपस में ऐड ही होते हैं। जैसे अगर कोई कैलकुलेशन करता है और उसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 2 और आनी चाहिए, या उसकी रीडिंग आती है 2.1 ऑब्जर्व्ड वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कितनी है 2, तो एरर कितना है 0.1। इस चेंज इन रीडिंग को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर टू, इसके अंदर ये एब्सोल्यूट एरर के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए। अगर कोई नंबर है 2 प्लस माइनस 0.1 यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए जो है वो करेक्ट रीडिंग है, डेल्टा ए का मतलब है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है, राइट। तो मान लो एक मिनट के लिए ये ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। और जो सेकेंड रीडिंग है वो है बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी यानी कि 3 प्लस माइनस 0.1, और अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो ये नंबर इसमें अगर ऐड करेंगे तो आंसर करेक्ट आना चाहिए 5, 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि करेक्ट रीडिंग करेक्ट में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इनके एरर्स भी आपस में ऐड होते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0.2। लेकिन अगर मैं इन दो नंबर्स को माइनस करूं तो माइनस करने पे एक्चुअल नंबर, मान लो बी में से ए माइनस करना है मुझे, इसमें से इसे माइनस करना है, तो एक्चुअल नंबर में से एक्चुअल नंबर माइनस करोगे तो 1 तो आना ही आना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, तो एरर में फिर से एक बार क्या आएगा 0.2 ही आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो दो रूल समझ में आ रहे हैं, एडिशन का समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन का समझ में आ गया, सेम सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स को माइनस करना है, तो ये तो करेक्ट वैल्यूज हैं, करेक्ट में से करेक्ट गया तो एक आंसर है, एरर्स का क्या करूं, एरर्स माइनस नहीं होंगे, एरर्स ऐड ही होंगे, एरर्स तो एंड में ऐड ही होते हैं, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, याद रखना। सपोज करो अगर नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जैसे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, मान लो ये क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है कि एरर्स का क्या करना है, अगर ए की करेक्ट वैल्यू, बी की करेक्ट वैल्यू, सी की करेक्ट वैल्यू, तो जेड की भी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, पर अगर ए विद एरर गिवन होगा, बी विद एरर गिवन होगा, सी विद एरर गिवन होगा, तो फिर जेड की क्या वैल्यू करनी है, उसका फॉर्मूला डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर, इसको करेक्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अंदर
ऐसे अगर रिलेटिव एरर बी के अंदर बोला जाए तो डेल्टा बी बाई बी, और ऐसे ही डेल्टा सी बाई सी, और रिलेटिव डेल्टा जेड बाई जेड। ये रिप्रेजेंटेशन है कि एब्सोल्यूट एरर को उसी करेक्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। तो इसके अंदर जैसे अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसको देखते हुए एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो अगर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है टर्म्स, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जेड बाई जेड इज डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी। बस ये सीधा फॉर्मूला है, राइट। तो इससे आपका आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक। ऐसे ही अगर ये रूल और सबट्रैक्शन तो आना ही ना, एरर आना है। जैसे सपोज करो एक्सपोनेंट का रूल है, सेम क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू, सी रेज टू पावर एस। तो डेल्टा जेड बाई जेड रूल वही है, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, लेकिन जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये पी, ये क्यू और ये एस। दैट्स इट, बस ये रूल लगेगा, राइट। कोई डाउट इसमें? इसमें लॉग नहीं लेते एरर्स में, वो तो परसेंटेज वो कुछ और चीज़ है, एरर्स के अंदर कभी लॉग नहीं आता। ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट है इसमें, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी बाई टी, कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, प्लीज एल की पावर हाफ है, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, जी की पावर हाफ है, हाफ इंटू डेल्टा जी बाई। तो रूल समझ में आ रहा है कैसे लगेगा? तो उसी तरीके से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, ठीक है, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर गिवन। रिलेटिव एरर जो होता है वो डेल्टा एल बाई एल है, जैसे उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या गिवन है इसमें, डेल्टा एम बाई एम गिवन है, डेल्टा एल बाई एल गिवन है परसेंटेज में। तो एक काम करते हैं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम इज एल क्यूब, तो इसमें एरर का रूल लगेगा डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, थ्री इंटू डेल्टा एल बाय एल। वही पावर वाला रूल लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है, परसेंटेज एरर इन मास कितना गिवन है 1.5%, सीधा परसेंटेज पुट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ, और ऐसे ही परसेंटेज एरर इन लेंथ क्या गिवन है 1%, आंसर आ गया। अब ये मेंस का क्वेश्चन 2018 का, तो कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं जैसे मैंने बताया, और जो लोग अब ये एरर्स और ये छोड़ के जा रहे हैं तो बताओ उसका क्या करें, मुश्किल वाला चैप्टर होना नहीं, आसान वाला करके नहीं जाना, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा यार, ये तो कर जाओ कम से कम। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर, ये 2018 का दूसरे सेट में आया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, और रिलेटिव एरर क्या गिवन है, एरिया का अल्फा। रिलेटिव एरर वॉल्यूम में क्या होगा, एरिया क्या होता है 4πr², एरर का रूल डेल्टा एस बाय एस, कॉन्स्टेंट में नहीं लेना, 2 × Δr/r, तो यहाँ से डेल्टा आर बाय आर आ गया, लेकिन मेरे को तो वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा डेल्टा वी बाई वी, 3 × Δr/r, डेल्टा आर बाय आर को यहाँ से पुट किया ½ × Δs/s, तो ये वैल्यू आ गई, और एरिया के अंदर आपको एरर रिलेटिव गिवन है कितना, अल्फा आंसर। तो मेरे को लगता है ये भी आसान आया 2018 में सेकेंड सेट, राइट। नेक्स्ट है तीसरा सेट जो बना, करेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल अफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। पता नहीं वो मेन वालों की आदत है, प्लीज पहली लाइन को तो उन्होंने ऐसे लिखना है, पता नहीं क्या हो गया। आगे प्लैंक्स लेंथ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। अगर प्लैंक लेंथ निकालना चाहता है, कोई प्लैंक लेंथ हो, कोई स्केल की लेंथ हो, या जिसकी मर्जी लेंथ हो, लेंथ ही है, एल आएगा। तो कह रहे हैं एल किसके प्रोपोर्शनल है, जी एच और सी के प्रोपोर्शनल है, तो रेज टू पावर पी क्यू आर या ए बी सी कुछ भी कर लो, लेंथ तो लेंथ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, सी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से पी क्यू आर सॉल्व करके आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये भी आसान है। यूनिट्स एंड डायमेंशन जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको तो प्लीज़ प्लस वन की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, दो वो अपना तैयारी करके जाए, और एरर्स बिल्कुल नहीं आता तो एरर्स की भी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, तो तभी बात बनेगी। ये तो उनके लिए है कि जिनको थोड़ा सा भूल गया है उनको याद आ गया कि क्या करना है, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि उतना नहीं हो पाएगा, चार लेक्चर का काम कैसे होगा यार, जीरो से नहीं स्टार्ट हो पाएगा वो चैप्टर। नेक्स्ट है, अब किसी की किस्मत थोड़ी सी ढीली भी निकली बीच में, मैं दिखाता हूँ कि उनको बेचारों को कैसा फील हुआ। देखो यार, एक स्टूडेंट के सेट में ये भी आ गया 2018 में, मेरे को तो मतलब लगा यार उनके मुकाबले इसको थोड़ा मुश्किल दिया। रिलेटिव अनसर्टेंटी इन द पीरियड ऑफ सैटेलाइट
इन दी पीरियड ऑफ मतलब टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट. अब रिलेटिव सर्टनटी रिलेटिव एरर होता है वो, तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा टी बाय टी गिवन है. आगे चलो यहां तक बंदों ने सोच भी लिया. रोटेटिंग अबाउट द अर्थ इज गिवन, राइट, गिवन है. इफ द रिलेटिव अनसर्टनटी इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस इज नेग्लिजिबल, डेल्टा आर बाय आर इज नहीं लेना. द रिलेटिव अनसर्टनटी इन द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू वॉट. अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट पे पूछ रहे. अब ग्रेविटेशन के अंदर जाना पड़ेगा, पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे देता फिर तो आसान हो जाता, फॉर्मूला खुद लिखना पड़ेगा. अब फॉर्मूला ग्रेविटेशन से लिखना, देखो मैंने लिखा ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सेटेलाइट, टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय वी, वी को उन्होंने यहाँ पुट किया, यहाँ पर ये वैल्यू आई, स्क्वेयरिंग किया तो ये आंसर आया. अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में केपलर लॉ का प्रूफ आता था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये वही प्रूफ है. पहले तो स्टूडेंट को आना चाहिए, फिर वो यहाँ फॉर्मूला लिखेगा, फिर उसको मास निकालने को कहा, मास एक तरफ बाकी टर्म, अब उसका एरर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. डेल्टा एम बाय एम कॉन्स्टेंट में एरर नहीं है, 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर, 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी. अब आर में तो एरर है नहीं, उसने बोला आर में एरर नहीं लेना, रेडियस में, टाइम पीरियड में एरर है, फुट की आंसर आ गया. क्या बोलते हो, उनके मुकाबले मुश्किल है? ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मुश्किल है ये, नहीं क्लिक करता वहां जाके यार, फॉर्मूला नहीं गिवन होगा यार, पागल हो जाओगे, मुझे तो मुश्किल लग रहा है. देख लिया ना आपने, तो देखो देख लिया तो देख लिया, नहीं देखते तो मैं करने को देता, सॉल्व ना होता, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ एक दो स्टूडेंट ही सॉल्व कर पाते, नहीं हो पाता. मेरे को ये वैसे मुश्किल लगा यार. आसान तो वो होता है जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा, ये क्यों वाला क्वेश्चन आसान होता है कि मतलब मजा ही आ गया, वो आसान है, बाकी तो सारा टेढ़ा ही लग रहा है मुझे. ये तो मुझे सच में टेढ़ा लगा. चलो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है. फिर काइनेमेटिक्स पे आ जाओ. तो मतलब मैं ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप, और इससे पुराने पेपर देखोगे तो भी इसी लेवल के हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन तो बनता ही है, एरर या यूनिट्स में से एक तो आना ही आना है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से इसको पक्का तैयार करके जाना, एक क्वेश्चन तो आएगा. नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स में, ऑब्जर्व कर रहा था यार काइनेमेटिक्स में तो ना आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ये तो ना बस मौके का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, बस जो मर्जी करते रहो इसको. तो फिर तो इसलिए काइनेमेटिक्स को मैं पहले नहीं टच करता कभी भी, क्योंकि कितनी भी प्रैक्टिस करवाओगे इसका तो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही क्वेश्चन होना है. जैसे ये देखो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं ऑल द ग्राफ शोन इन द सेम मोशन, वन ऑफ देम करता इनकरेक्ट नहीं करता, तो देखो हर चीज सिमेट्री में चली रही है. कैसे, जैसे वेलोसिटी और पोजीशन, तो मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो गई एक्स पोजीशन पे, और फिर वापस आ गया पार्टिकल और वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है ये. फिर यहाँ से समझ में आता है पोजीशन पहले बढ़ी फिर पोजीशन फिर वहीं आ गई, तो समझ में आता है कि कुछ एक ही जो है बॉडी का मोशन है. फिर समझ में आता है वेलोसिटी टाइम में, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, क्योंकि जब एक बॉल को ऊपर से हम फेंकते हैं रीबाउंड करके वापस आता है उसका ग्राफ यही बनता है, वेलोसिटी फिर जीरो और फिर नेगेटिव हो जाती है, डायरेक्शन हैज चेंज. कह रहा है इसमें नहीं लग रहा वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन सिर्फ, क्योंकि डिस्टेंस टाइम की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पता नहीं रैंडम मोशन है कुछ भी, तो ये आंसर इनकरेक्ट है. बाकी तीन एक जैसी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू एंड फ्रो ये नहीं कर पा रहा. अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, क्लिक कर गया नहीं किया, वैसे आसान लगता है मुझे, थोड़ा जोर लगाओगे तो हो भी सकता था. यूनिफॉर्म नॉन, उसने बोला ही कुछ नहीं यार. कैसे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, किसी भी हालत में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तीनों ग्राफ में. मैंने क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ माइंड समझते हो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता प्रेजेंस ऑफ माइंड का, बस ये बस अंदर से ही लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ठीक बन रहा है, तो बस यही है. आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, बस रूल आउट ऑप्शन है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो बस जिसकी किस्मत में आ गया आ गया. अब तेरे वाला क्वेश्चन, तेरे को ये पसंद है तो फिर तू ये भगवान से प्रार्थना करियो तेरा क्वेश्चन ऐसा आए, वैसे बाकी लोग वही करें, नहीं आसान है. देखो डराने के लिए थोड़ा लगता है, ठीक है, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर गिवन है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ स्कूटर इज एज शोन, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
और कार का भी एज शोन। कार के अंदर ध्यान से देखो, वेलोसिटी पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। स्कूटर तो बेचारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बातें खत्म हो गई। अब ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक क्या डिस्टेंस कवर किया? सबको पता है वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होता है, तो आप इसका एरिया निकाल लें कार का ट्राइंगल से और स्कूटर का 15 सेकेंड तक रेक्टेंगल से, माइनस कर दें आंसर आ जाएगा। एक पार्ट तो आ गया, ठीक है, ये तो आसान है यार, ठीक है। अब दूसरा केस है, एरिया निकाल लिया दोनों का माइनस कर, अब 15 सेकेंड के बाद क्या होता है? तो माइनस करके डिस्टेंस आ गया 15 सेकेंड के बाद। वो कह रहा है कि द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। अब स्कूटर को कैच तो कर ही लेगा वो, तो ऐसा कब होगा? मुझे तो पता नहीं, टी टाइम में होगा मान लो, टी टाइम विल बी ग्रेटर देन 15 सेकेंड। टी टाइम जो होगा वो 15 सेकेंड से तो कम से कम बड़ा ही होगा, 15 सेकेंड के बाद ही ओवरटेक करेगा, इससे पहले तो क्या ही करेगा वो ओवरटेक, राइट। तो इस केस में मैंने क्या किया कि लेट द कार कैचेज द स्कूटर इन टाइम टी। टी टाइम में स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? स्कूटर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे है, तो स्कूटर के लिए एस इज इक्वल टू वी टी, 13 टू टी स्कूटर का डिस्टेंस आ गया। और कार ने इतना तो कर ही लिया, ट्रायंगल का एरिया जो आपने निकाला था कार का कितना आया था? 675/2। ये तो इसने कर ही लिया था 670/2 प्लस। उसके बाद कार की वेलोसिटी क्या हो गई? कॉन्स्टेंट। तो उसने और एरिया क्या कवर किया? लेंथ इनटू ब्रेथ, 45 इनटू टाइम, एस इक्वल टू वी टी। एस इक्वल टू वी टी लगा लिया आपने ग्राफ से, तो क्या ही आएगा? टी माइनस 15 के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, तो जो भी बनेगा टी, उसमें दिखा नहीं पा रहा ना टी में, टी तो कुछ भी हो सकता है। तो टाइम टी माइनस 15 हो गया 15 सेकंड के बाद, राइट। तो 15 सेकंड के बाद जो एरिया कवर होगा वो टी माइनस 15 डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट कितनी है इसमें? 45। एस इक्वल टू वी टी ऐसे ले लो, यहां मान लो तो एरिया वाला, तो दिस इज 45, दिस इज सॉरी दिस 15 किसमें? डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ना, एरिया, एरिया बराबर नहीं आ रहा ना, यहाँ का एरिया ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया कब से बराबर होगा ना, कैच कर रहा है वो, क्योंकि एरिया अगर बराबर होगा तो डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा तभी ओवरटेक होगी ना, कैच करेगा, एरिया कहाँ ट्रायंगल और रेक्टेंगल का बराबर है, तो आगे जाके करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट हो गया, ये कंफ्यूज हो सकते हो, इंटरसेक्ट कई लोग सोच रहे हैं यहाँ कैच हो गया, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ कार का डिस्टेंस ये रहा ट्रायंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल बड़ा है तो स्कूटर का ज्यादा डिस्टेंस है, कार पीछे है, अभी देखना पड़ेगा आपको, ग्राफ से समझ में नहीं आएगा कि ओवरटेकिंग हुई कि नहीं हुई। ये रहा 11 2.5। वो डिफरेंस है, वो ओवरटेकिंग है, ओवरटेकिंग का मतलब दोनों का, कार का और स्कूटर का डिस्टेंस शुड बी सेम। तो स्कूटर का डिस्टेंस तो पता ही है सेम है, एस इक्वल टू वी टी। कार शुरू में तो एक्सेलरेट कर रही थी, तो उसका एरिया निकाला ट्राइंगल का और फिर उसके बाद एस इक्वल टू वी टी लग गया। तो आधी जर्नी के लिए कार के लिए एस इक्वल टू वी टी और आधी जर्नी कुछ जर्नी के लिए एरिया वाला, तो इनको इक्वल करोगे तो टाइम। तो क्या बोलते हो, ठीक, मीडियम या मुश्किल? मीडियम है, पहला पार्ट इजी है, दूसरे में थोड़ा जोर लगेगा। दो ऑप्शन एलिनेट कर रहे थे वो स्टूडेंट ने, दो ऑप्शन एलिनेट हो गई, दो उन्होंने फंसा ली, ठीक। हाँ हाँ कार को भी उतना ही करना है, कर सकते हैं, करके देखना पड़ेगा। हाँ बहुत मेथड है काइनेमेटिक्स के, काइनेमेटिक्स का एक खास बात ये है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, ये सबसे आसान है, लेकिन ठीक, इक्वेशन बनाओ जो मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मौके की बात मैंने बोला ना, काइनेमेटिक्स उसी प्रेजेंस ऑफ माइंड है यार, इसमें कुछ नहीं कोई कर सकता। किसी का माइंड चल रहा है मैं तो उसकी इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, ग्राफ नहीं माइंड में आ रहा, किसी का ग्राफ माइंड में आ रहा है, नहीं आ रहा किसी के माइंड में, तो ये कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसको सबसे एंड में डिस्कस किया जाता है, मैं तो सबसे एंड में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है, हालांकि इजी है, एक क्वेश्चन आना है आपका, इसमें अच्छी किस्मत है जिसको ये क्वेश्चन मिला जेई मेंस में काइनेमेटिक्स का। ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 80, तो बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? अरे v² - u² 2as, a रिटार्डेशन है, नेगेटिव है, यहाँ से s की वैल्यू आ गई, तो s जो है वो
यू स्क्वायर के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक केस में वो कह रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है आपको सेकेंड केस में निकालना है, केस में कितना है 40, और वेलोसिटीज आपको पता है रेशियो है 2, ये 80 है 40 है, 2 आ गया आंसर आ गया, या तो वी स्क्वायर माइनस पे 2 ए से सॉल्व हो जाना है। हाँ फिर फ्रिक्शन का क्वेश्चन होता, रिटार्डेशन बाय प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है यार फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन के क्वेश्चन बहुत किए हमने, बस बात फिर उस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। तो मैंने बताया अच्छी किस्मत है जिसको ये सेट आया, मतलब जिसके सेट में ये आया, तो पहला भी ठीक है बुरा नहीं है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा थोड़ा देखने में लग रहा है बाकी पता नहीं देखते हैं करके, तीसरा आसान है देख लेते हैं फिर तेरे सेट में आएगा कि नहीं आएगा तेरे को कैसा लगेगा। मैन इन अ कार एट अ लोकेशन ऑफ क्यू, क्यू लोकेशन डायग्राम में गिवन है, हाईवे पे मूव कर रहा है, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी, हाईवे है वी स्पीड पे मूव कर रहा है, ही डिसाइड टू रीच अ पॉइंट पी, ऊपर पुल चढ़ना चाहता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम दी हाईवे फ्रॉम पॉइंट एम, तो मतलब हाइट उसकी कितनी है डी, ऊपर चढ़ना चाहता है, स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे, ये फील्ड है या जो भी है ऊपर की तरफ चढ़नी चाहती है, ब्रिज है जो भी है उसकी स्पीड वहां पर वी बाई टू हो जाती है, वर्ड शुड बी द डिस्टेंस आर एम, आर एम का डिस्टेंस सो दैट टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम। अब ये मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल वाले वो सेम उसी लेवल के क्वेश्चन है, नॉन मेडिकल में मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसे पहले टाइम निकलेगा फिर मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम निकलेगा, तो पहले टाइम निकाल लें, टाइम क्या होगा दिस डिस्टेंस की स्पीड कांस्टेंट ही है, तो डिस्टेंस कितना है अगर ये एल है ये एक्स है तो एल माइनस एक्स है बाई वी, और ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना यहाँ से और यहाँ से, ये कितना है एल माइनस एक्स है तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बाई टू, टू ऊपर आ गया, तो टाइम निकाल लोगे यहाँ से बाई ज्योमेट्री, ठीक है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो फिगर से डिस्टेंस तो निकल आएगा ना, डिस्टेंस कितना है इसका l माइनस एक्स बाई वी, इसका डिस्टेंस कितना है पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बाई टू, क्या पॉइंट सबको क्लियर है, मेडिकल वालों को तो बस यहीं तक आना चाहिए बस, नॉन मेडिकल वालों के लिए उसने कहा टाइम को मिनिमम करना है और x निकालना है, तो अपना वो निकाल लो अपना हथियार कैलकुलस का, तो डी टी बाई डी एक्स निकाल लो और इक्वल टू जीरो, मेडिकल नहीं आएगा प्लीज, इसे डिफ्रेंशिएट करना आराम से बैठ के कर ही लोगे, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी बाई रूट थ्री, फिर पुट करते रहना आंसर आएगा, तो क्या बोलते हो आसान मुश्किल या मीडियम, ठीक है पहले वाले को देखेंगे तो मीडियम कह लेना यार, अब कैलकुलस मुश्किल, ध्यान से मैडम इसको ध्यान से कैमरे को नहीं पहले लगा पैर, अच्छा भाई ध्यान से कि नहीं यार ये नहीं घेरना यार, बाकी जो मेरे को घेरते चाहे हाँ यार मैं तो फिर भी ठीक हो जाऊंगा करके यार, ये तो बहुत मुश्किल है यार। देखते हैं चलो, मुझे लगता है ये थोड़ा यार बाकियों के मुकाबले थोड़ा मुश्किल था, टाइम लग जाएगा यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम है ना, एंड टाइम ही तो बचाना है, मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल मीडियम कैटेगरी का ही था, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगला देखो 2018 का, ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, ये कंडीशन गिवन है इज गिवन बाय, अब को प्लेनर का मतलब विच लाइज इन अ सेम प्लेन, आपको सी वेक्टर आपको निकालना है, तो सी वेक्टर कुछ भी मान लिया ए आई कैप और बी जे कैप, आपको ये टर्म इसके इक्वल गिवन है फर्स्ट इक्वेशन और ये टर्म इसके इक्वल है सेकंड कंडीशन, तो आपने क्या किया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ले लिया, ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ले लिया, तो ए बी में इक्वेशन आ गई, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू से सी आ गया, सी का मैग्नीट्यूड कर लो प्लीज, मॉड लगा लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाओ, करेक्शन है इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी की वैल्यू आ गई, मुझे लगता है आसान है, आसान है ये तो यार, ठीक है शुक्र है कुछ तो यानी कि राहत है, ठीक है कुछ तो अच्छा लग रहा है कि कुछ तो आएगा ही, मतलब कुछ मेन में मेरे को भी आता होगा, हर किसी को लग रहा है मैं कर सकता हूँ, देखो 15 का टारगेट अगर मिनिमम है तो 15 में से 2-3 अगर ऐसे आ जाएं तो फिर ठीक है यार, बात ज़्यादा दूर थोड़ी ना है,
बाकी किस्मत की बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता ऐसे एग्जामिनेशन में क्या हो जाए, किसी का बल्ला चल जाए तो चल जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत दुनिया देखी है 180 क्रॉस करती हुई, जो कि घर से सोच के जाती है कि मेरे 100 नहीं क्रॉस होंगे। और मैंने ये भी जनता देखी है 200 प्लस का टारगेट लेके जाते जाते 120 पे या 100 पे अटक जाते हैं, कुछ नहीं पता क्या होगा। पर मैंने ये नहीं देखा कि मैं तो कुछ पढ़ के ना जाऊं और मेरे 200 आ जाएं, ये नहीं देखा। मतलब कहीं ये सोचो कि मैं तो कुछ भी ना करके जाऊं और सर ने कहा था कुछ भी हो सकता है, नहीं। रेंज 30 to 40 to 50 तक रेंज ऊपर नीचे होती है। हम कहते हैं 2-4 नंबरों का फर्क पड़ता है, नहीं, उस दिन 25-30 नंबर ऊपर 25-30 नंबर नीचे आना 360 में से कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो इसीलिए हर बंदा प्रार्थना करता है कि हे भगवान ठीक रहे मेरा दिन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सुन के 2 चांस बना दिए कि चल तेरी इच्छा पूरी की जाए, तेरा एक दिन खराब हो सकता है दूसरा तो नहीं हो सकता, तो दोनों में से एक दिन तो तेरा ठीक जाएगा। ठीक, लो जी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, खोलो असाइनमेंट एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की। ठीक, देखो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंदर आपके पढ़ने वाला काम थोड़ा सा बारीक ज्यादा है, घर जाके समझ में ज्यादा आएगा, यहां आएगा लेकिन ऊपर ऊपर से आएगा, मतलब आपको पता होगा कि क्या करना है लेकिन आपको फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है जो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में आते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर के अंदर अगर आप डायग्राम को देखो तो ये देखने में वर्नियर कैलिपर, और जो वर्नियर कैलिपर है वो एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ ऑफ वेसल निकालने के काम आता है। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं, पहला स्केल कौन सा है, मेन स्केल है, और दूसरा स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल है। ठीक, 2 स्केल्स है। अब इसको देखना कैसे है, इसके लिए अंडरलाइन करते जाना, जो वैसे मैं बोल्ड करके लाया हूं उसमें, ताकि आपको ज्यादा दिमाग इसमें ना लगाना पड़े। तो सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को VSD बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन को बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। और इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि मैच करे, ये क्वेश्चन देने वाला आपको देगा कि सपोज करो मेरे इस एग्जांपल में n वर्नियर स्केल की डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल के डिवीजन। नॉर्मली ऐसी फॉर्मूला चलता है, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है वो ये मैच करवा दे कि वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 8 मेन स्केल डिवीजन, उसकी मर्जी है। अगर कुछ नहीं बोलता तो n और n-1 का फर्क चलता है, वैसे तो वो देगा कुछ ना कुछ आगे। तो 1 वर्नियर स्केल क्या होगा, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वर्नियर कांस्टेंट को प्लीज बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट मार्क करो, वर्नियर कांस्टेंट निकालना होता है। वर्नियर कांस्टेंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहां पर जो मैंने वैल्यू पुट की किया तो मेरे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला या वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया 1/n(MSD). ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो वर्नियर कांस्टेंट आ गया, वर्नियर कांस्टेंट या फिर बड़ा बड़ा लिखो इसमें और लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक ही बात है, वर्नियर कांस्टेंट के साथ लिखो और लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट निकालना आ गया आगे। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऊपर वाला फॉर्मूला चेक करो, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, 1 MSD का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवाइडेड बाय n का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल, राइट। तो इसी को फॉर्मूले को स्टेटमेंट में लिखा गया है, वैसे यहां तक सफिशियंट है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। नेक्स्ट है टू रीड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 2 स्केल्स होते हैं, और 2 स्केल्स मान लो आपने डायमीटर कैलकुलेट करना है, आपने कोई चीज को फंसा लिया और डायमीटर को मेजर कर रहे हो, टाइट कर दिया वर्नियर स्केल, तो आपने देखा कि नीचे का स्केल और ऊपर का स्केल का 0 कहीं मैच नहीं कर रहा, तो बेसिकली आप ये देख पा रहे हो कि आपकी जो करेक्ट रीडिंग है मेन स्केल से वो 2, 2.1, 2.2, 2.3 के बीच में है। 2.2 तो गारंटेड है होगी होगी, प्लस क्या ऐड करना है आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 0 बीच में आके फंस गया है, कोई डाउट इसमें? तो 2.2 प्लस समथिंग करना है, 2.3 तो हो नहीं सकता, 2.2 के आके डेसिमल लगेगा, ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि कौन सा टिक मैच करता है। इसमें कोई नहीं कर रहा वैसे, सही डायग्राम नहीं है, पर इसमें चलो मान लिया 6वां कर रहा है, मिला लो पेन से मिला लो प्लीज, कुछ नहीं बस इसने 6 का, तुमने 6 ही करना है यार, लगाओ यहाँ 6 करो या 6 करो प्लीज, ज्यादा डीप में नहीं जाना अब यार, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका ग्राफिक डिजाइनर कैसा है जिसने बनाया है, छोड़ो यार 6 कर रहा है,
मान लो 6 कर रहा है, तो अब वो कह रहा है मान लो 6 कर रहा है, अंडरलाइन कर लो, कुछ भी करेगा आपके एग्जांपल में, वहां तो ठीक ही डायग्राम बना के देगा। अब वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन ऐड करनी है वो जो टिक मैच करेगा उसको वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और हमारा जो वर्नियर कांस्टेंट है इस केस में 0.01 ऊपर लिखा हुआ है, हमारा जो वर्नियर कांस्टेंट है वो कितना है 0.01, वो निकलेगा बाय जो आप वैल्यूज गिवन होंगी, यही होता है वैसे, चलो जरूरी नहीं है, मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा अभी। तो इसमें 0.01 जो भी आप निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2.2 + 0.06 यानी कि 2.26 आएगा। अगर तो यहाँ तक तो न्यूमेरिकल आता है रीड करने का, फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया, टिक मैच किया, डायग्राम दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो वो वैल्यू देगा कि कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, ठीक, तो वहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। कभी कभी वो थोड़ा और बढ़ा देता है, वो क्या कहेगा जीरो या जीरो एरर या एंड करेक्शन क्या होती है, जब हम वर्नियर स्केल को यूज़ करते हैं नॉर्मली एक सही स्केल क्या होता है, अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाऊँ तो उसकी रीडिंग जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, पर अगर जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही तो यानी कि मेरा वेट गलत आएगा, ऐसी जीरो जीरो कोइंसाइड करने चाहिए स्टार्टिंग में, कई बार नहीं करते तो यानी कि वो स्केल सही नहीं है। तो या तो आपका स्केल के अंदर आप देखेंगे कि ये जीरो आगे होगा या आप देखेंगे ये जीरो पीछे होगा, कुछ भी दो केस होगा, अगर जीरो जीरो के इक्वल है फिर तो कोई एरर ही नहीं होगा, बातें खत्म हो गई, तो यानी कि यहाँ पर एरर्स आएंगे। अब एरर्स के अंदर सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि अगर जीरो राइट साइड पे है, इसको प्लीज अंडरलाइन करना या बॉक्स में डालो, अगर जीरो राइट साइड पे है तो इस फिगर की बात हो रही है, तो उस केस में द डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो बट रीडिंग इज पॉजिटिव, आपने ये लिखना है, ये बोल्ड किया हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट मेजर मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, तो जो भी आप एरर कैलकुलेट करेंगे वो आपको, और तो इस एरर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर है, तो आपको एंड में जो ये पॉजिटिव एरर आएगा वो अपनी फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और ऐसी अगर रीडिंग इस तरफ है तो इस एरर को नेगेटिव एरर बोलते हैं, तो जो भी नेगेटिव एरर आएगा वो फाइनल रीडिंग में अल्टीमेटली ऐड करना पड़ेगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो याद रखना अगर जीरो राइट साइड पे है उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं, एंड कैलकुलेशन में माइनस करना पड़ेगा, और ऐसी अगर जो नेगेटिव जो जीरो लेफ्ट साइड पे है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को नेगेटिव एरर बोलते हैं और फाइनल कैलकुलेशन में उसे प्लस करना पड़ेगा, ये याद रखना रूल। अब जैसे इस केस में अब कैसे करना है, एंड करेक्शन रिमूव कैसे करनी है, जब आप स्टार्ट करते हो एक एक्सपेरिमेंट तो आपने देखना है कौन सा टिक मैच कर रहा है, मान लो इस फिगर में मैंने एरो बनाया हुआ है, 6th रीडिंग कोइंसाइड करती है 6 में, फिर से 6 ले लिया, बाय चांस की बात है वो भी 6 है ये भी 6 है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया, अभी आप जब मैच कर रहे हो इसमें एरर है कि नहीं, इसमें उसको लगा कि यहाँ एरर है और कौन सा टिक मैच कर गया 6th, तो एंड करेक्शन निकालने के लिए एरर निकालने के लिए पहले ऊपर वाला केस सॉल्व हो रहा है जिसमें जीरो राइट साइड पे लाई करता है, तो आपने क्या कहना है जीरो एरर, इसमें पॉजिटिव एरर आया था तो पॉजिटिव एरर को क्या लिखेंगे प्लस, कौन सी रीडिंग कोइंसाइड की थी 6th, तो x इंटू वर्नियर कांस्टेंट, 6 इंटू वर्नियर कांस्टेंट कितना है 0.01, तो आपके पास एरर आ गया, ये एरर पॉजिटिव एरर है, लेकिन एंड कैलकुलेशन में आपको करेक्शन करने के लिए आपको इसको प्लस नहीं करना, इसको क्या करना है माइनस करना है। उसी तरीके से अगर उल्टा है, अगर ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना है इसे प्लीज स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर जीरो लेफ्ट की तरफ है सुन लो, अगर जीरो राइट की तरफ है समझ में आ गया रूल क्या करना है, अगर लेफ्ट की तरफ है फिर से टिक मार्क करो, मान लो इसमें कौन सा टिक, इसमें द थर्ड वर्नियर कॉन्सेंट कोइंसाइड करता है, अंडरलाइन कर लो, इसमें मान लो कौन सा करता है 30, इसको प्लीज डार्क कर लेना, तीसरा सारे दिख रहे हैं इसको जरा डार्क कर लेना, मान लो इस एक्सपेरिमेंट में तीसरा कर रहा है राइट, फिर आपने क्या करना है जीरो एरर के कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डिवीजन टू बी कंसिडर्ड 3 नहीं करना, अगर जीरो लेफ्ट की तरफ है 10 - 3 करना है, तो इसमें उल्टा रूल होता है, उसमें सीधे लगा देना है 6 है तो 6 इंटू वर्नियर कांस्टेंट, इसमें जो भी रीडिंग आएगी जीरो का लेफ्ट साइड पे 10 महीने से पहले माइनस करना है, थर्ड रीडिंग है 10 - 3 और उसके बाद 7 आएगा, फिर 7 को वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव एरर आएगा जो एंड रिजल्ट में प्लस करना पड़ेगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया हुआ है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब भूलोगे नहीं, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट तो कलर्ड होनी चाहिए यार, मजा तो तभी है प्रिंटिंग, अब दिखता है उसमें, नहीं तो फिर आप प्लीज अपने पेन कलर रखा करो, उसमें मार्क कर लो प्लीज, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज बना के लाया हूं असाइनमेंट, वो क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन, ओहो ये तो यार पता नहीं कौन सा बैरोमीटर है, इस 1 mm, ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं,
कौन सा है ये यार, बैरोमीटर 1 mm, इट्स 20th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19, चलो यहाँ कुछ बात समझ में तो आ रही है, कह रहा है कुछ 20 की वर्नियर स्केल डिवीजन है, 19 मेन स्केल डिवीजन, ये समझ में आता है मुझे, तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन समझ में आता है, ठीक है। क्या करना है, व्हाट इज द वर्नियर कॉन्स्टेंट निकालना है, बैरोमीटर, अच्छा एंड में वो मल्टीप्लाई करेंगे राइट, तो वर्नियर कॉन्स्टेंट MSD और VSD का माइनस किया हमने, तो माइनस किया तो ये मेन स्केल डिवीजन आ गई, और उसने क्या कहा, ये मेन स्केल डिवीजन कितनी आ रही है, 1 mm, अच्छा वो बैरोमीटर का कोई काम नहीं, 1 mm चाहिए, 1 mm को मल्टीप्लाई करो, इतने mm आंसर आ गया, ठीक है। वो मैं थोड़ा सोचा कि पता नहीं कौन सी मशीन आ गई, इसमें वर्नियर कॉन्स्टेंट चल रहा था, तो कुछ नहीं है, बस वो रीडिंग ले रहा है वर्नियर स्केल को यूज करके। इन द वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, MSD कर लेना या SDA की बात होती है, MSD कर लो चाहे, सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन, तो लीस्ट काउंट वर्नियर कॉन्स्टेंट है, लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब वो कह रहे हैं किस केस में स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल MSD कितने की बने, हाफ हाफ, तो इसकी जगह क्या पुट करना है, हाफ mm आंसर आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो इसे। नेक्स्ट है, स्क्रू गॉज करने से पहले इसकी असाइनमेंट के बिल्कुल पीछे ये पेज नंबर जो भी चल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ वर्नियर कैलिपर पे आना प्लीज, मैंने कोई असाइनमेंट अभी आज ही तैयार किया है ये सुबह, तो देखते हैं क्या क्या हुआ तैयार, इसमें एडिशन की है लास्ट ईयर से, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, करें। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगे मेरे को, देखो वो कह रहा है डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूरिंग अ वर्नियर कैलिपर्स, एक स्टील बॉल का डायमीटर मेजर किया है, विच हैज अ डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो मेन स्केल डिवीजन में जो रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर है, एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी है, 10 डिवीजन है, मैच 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, इसे लीस्ट काउंट आ जाएगा, 3 सच मेजरमेंट्स आर गिवन, वो कह रहे हैं ऐसे करने में उसने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यूज आ रही है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है, तो लैब में तो 3 ही बार होता है वैसे एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आया, और 0 एरर आपको गिवन है माइनस, तो 0 करेक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस द मीन करेक्टेड डायमीटर, मीन डायमीटर निकालो, तो 3 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर एवरेज लेना पड़ता है, कैसे, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीजन की रेशियो गिवन है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन, जो कि कितनी है 0.1, तो 1 वर्नियर स्केल कितना आ गया 0.09 सेंटीमीटर में, तो मुझे पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का माइनस, तो कितना आ गया लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट निकाल लिया आपने यहां से, लीस्ट काउंट जो आपने निकाला उसके बाद जो टोटल रीडिंग है वो क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन जो हमने की उसका फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, उसका फॉर्मूला करवाया था कि जैसे अभी मैंने पिछले असाइनमेंट से लिया है वो 2.2 प्लस 0.06 याद है, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना रहा है वो, कि मेन स्केल डिवीजन प्लस इसमें क्या करना होता है, जो टिक कोइंसाइड करता है जैसे सिक्स्थ कर रहा था, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन 0.5 है इसमें, और वर्नियर कोइंसिडेंस क्या है इसमें 8, 8 कैसे, ऊपर चेक करो जरा कितना है, 8 कैसे है, गिवन है 8, और लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया, तो पहली रीडिंग में, पहली रीडिंग की बात हो रही है ये, पहली रीडिंग में ये क्या आता है 0.58, फिर दूसरी रीडिंग में क्या आता है, कौन सा टिक मैच कर रहा है 4, फिर तीसरी में कौन मैच कर रहा है, 3 रीडिंग आ गई, फिर तीनों अलग अलग आई, तीनों का एवरेज लिया, फिर करेक्ट रीडिंग क्या मानी, करेक्ट रीडिंग 0.56 मानी, और इसमें ऐड कर दिया क्योंकि माइनस एरर था, ऐड करके आंसर आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, एरर्स भी आ गया और वर्नियर कैलिपर भी आ गया, बढ़िया प्रॉब्लम आ गई, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, बड़ी खुशी मिलती है नो जीरो एरर, कुछ एरर का करना नहीं एंड में, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15, जीरो इसके बीच में लाई करता है, यानी कि अब देखते हैं इसको कैसे करना है, वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन इक्वलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, 50 डिवीजन में इतने सेंटीमीटर लाया करता है, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद 1 ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो आपको बताना है डायमीटर ऑफ द सेंटर क्या है,
प्लीज एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लो। इसके अंदर डायमीटर, दो तीन चीजें ना ध्यान से देखने वाली हैं इसमें। डायमीटर मेजर करना है, सही बात है, एरर है कोई वो भी सही बात है। इट इज फाउंड दैट वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। इसका मतलब कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसका जो टिक है वो 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इसका डिफरेंस अगर निकाल लें तो दो टिक्स का डिस्टेंस आ जाता है ऑफ द मेन स्केल, तो वो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट रीडिंग आ जाएगी। स्मॉलेस्ट रीडिंग का मतलब कि मतलब जो वर्नियर स्केल इसके और इसके बीच में, यानी कि अगर ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल में वो कह रहा है ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला, वर्नियर स्केल के जो टिक है वो मेन स्केल के 5.10 और 5.15 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब जो मेन स्केल का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 5.15 माइनस 5.10 के बीच में होगा। तो डिफरेंस बिटवीन टू टिक्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन हमें पता लग जाता है, ठीक है यहां तक। तो इसी को उसने यूज किया कैसे, देखो वो कह रहे स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि वर्नियर स्केल फंस चुका है दो डिवीजन के बीच में, तो सब स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन माइनस कर लिया इसने, इसके इक्वल होगा। अब वो कह रहा है मेन स्केल रीडिंग कितनी गिवन है, 5.10, एक बार चेक करना 5.10, ठीक। मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 5.10, वर्नियर कोइंसिडेंस का मतलब कौन सा टिक मैच किया था वर्नियर के साथ, 24 में टिक मैच किया था। मुझे क्या करना है, मुझे रीडिंग निकालनी है। अब रीडिंग कैसे निकलती है, मेन स्केल रीडिंग जो भी होगी वो तो सीधी गिवन ही है 5.10, यानी कि मेरा आंसर 5.10 से तो बड़ा आना ही है, ठीक हो गया यहां तक। बस मुझे क्या निकालना है इसमें, लीस्ट काउंट और वर्नियर कोइंस, और वर्नियर कोइंसिडेंट जो कोइंसिडेंस है वो भी मुझे कितना गिवन है 24, मुझे सिर्फ क्या निकालना है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट होगा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। मेन स्केल डिवीजन तो मुझे पता लग ही चुका है, एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना है 0.05। अब मुझे क्या निकालना है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के बारे में यह गिवन है, वर्नियर स्केल 50 टिक्स का बना हुआ है, 50 डिविजन्स हैं, और वो किसको कोरस्पॉन्ड करता है, 2.45 सेंटीमीटर को कोरस्पॉन्ड करता है। तो एक टिक दो टिक्स के बीच में वर्नियर स्केल का डिस्टेंस क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करें तो वर्नियर स्केल का दो टिक्स के बीच में डिस्टेंस आ गया, मेन स्केल के दो टिक्स का डिस्टेंस हमें पता है, और इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वर्नियर कॉन्स्टेंट, आंसर आ गया। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्लियर दिखना चाहिए पूरा कौन सा डंडा के साथ मैच करता है और क्या गिवन है। आइडिया समझ में आया उसने क्या पूछा, मतलब लीस्ट काउंट का मतलब होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो इसका डिस्टेंस उसने दे दिया हमें माइनस करके, और इसका 24 रीडिंग्स हमें गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर भी गिवन है, तो पर डिवीजन का डिस्टेंस हमें पता लग जाता है, ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दी थिन मेटालिक स्ट्रिप ऑफ वर्नियर कैलिपर मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सच अ वे दैट इट टचेस द सरफेस ऑफ द बीकर, द मेन स्केल रीडिंग ऑफ कैपिलर इज गिवन, चलो एमएसडी गिवन है, चलो आ गया ठीक, 6.4 से बड़ा आंसर आएगा वो तो, चलो सारे ऑप्शन बनाने वाला ही समझदार है, 6.4 से बड़ा है। वेयर एज वर्नियर कॉन्स्टेंट इज गिवन, चलो वर्नियर कॉन्स्टेंट भी दे दिया, आसान क्वेश्चन लग रहा है।
फोर्थ और वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड करेगी मेन स्केल, तो क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान है। मेन स्केल डिवीजन दे दिया, कौन सा टिक मैच कर रहा है, चौथा कर रहा है, लीस्ट काउंट दे दिया, आंसर आ। ऐसा है क्वेश्चन तो आए, और मजे की बात बताऊं क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है, वो तो मैंने बनाई है ऐसी असाइनमेंट, ऐसा है नहीं, ये तो मैं डर के बनाता हूँ कि चलो क्या पता यार कुछ ज्यादा डिटेल में आ जाए, पर जो मैं पेपर देख रहा हूँ उसमें बहुत सिंपल वर्नियर कॉन्स्टेंट सब कुछ देता है वो आपको, और आंसर निकलेगा। करके दिखाता हूँ, अभी आया कर रहा हूँ सॉल्व, वो भी आ रहा है, लिख के लाया हूँ अभी, चिंता ना कर। तो अगला क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, अगला भी ईजी है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, इसी की प्रैक्टिस है, ये कर लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट The angles are required to be measured using an instrument. 29 division of main scale coincide with 30 division of vernier scale. समझ में आ रहा है ये रूल? यहां से क्या जाएगा? लीस्ट काउंट। तो अब इस केस में वो क्या कह रहा है? The smallest division of main scale is given 0.5 degree. लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट क्या होगा? जो अभी मैंने वो थ्योरी में फॉर्मुला करवाया था कि एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, याद है मैंने कहा था वो डिवाइड करके जो फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो मेन स्केल हमें पता है कितना है, 0.5 है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 30। तो वैसे ही डिग्री से मिनट कैलकुलेट कर लेना, डिग्री में वो मैथ्स में ऐसे करते हैं ना, डिग्री से मिनट कैलकुलेट करते हैं और मिनट में जो है आंसर आता है, एंगल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दे दिया उसने, ठीक। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है ये भी आसान है सीधा, कुछ नहीं यार, वर्नियर स्केल डिवीजन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप इसको प्लीज एक बार इन सेम एक जैसे क्वेश्चन है प्लीज, मैंने सारे डाल दिए हुए हैं, वही मेन स्केल वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट, मेन स्केल वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट, बस उस तरीके से आप करते जाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप एक्सपेरिमेंट पे आए, स्क्रू वॉच, इसके ऊपर मेन्स में क्वेश्चन आया है और नीट क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज के अंदर सेम चीज है, स्क्रू गॉज ज्यादा फर्क नहीं है। स्क्रू गॉज का डायग्राम देख लो पहले प्लीज, ये स्क्रू गॉज का डायग्राम है। स्क्रू गॉज और एक्यूरेट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है मीटर रॉड, प्लीज साइलेंस, मीटर रॉड या मीटर स्केल या जो स्केल है 1 mm तक रीडिंग लेता है। वर्नियर कैलिपर और एक्यूरेट है, मीटर गॉज तो स्क्रू गॉज तो और भी ज्यादा एक्यूरेट है, 0.001 तक चला जाता है, इतनी एक्यूरेसी है। आगे देखने में स्क्रू गॉज ऐसा है, इसके दो स्केल है, एक मेन स्केल ये रहा और एक सर्कुलर स्केल ये रहा। जैसे इसमें मेन स्केल और वर्नियर दो ऐसे चलते थे एक के नीचे एक, इसमें ऐसे चलते हैं, एक सीधा और एक इस तरीके से चलता है, राइट। तो अगर ये 0-0 से कोइंसाइड करता है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, और अगर नहीं करता फिर इसमें भी एरर आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या निकाली जाती है, पिच। पिच का मतलब है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू। जब आप कोई चीज फंसाते हो बीच में मेजर करने के लिए और उसको घुमाते हो, उसके स्क्रू को ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक स्क्रू ने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कि आपने कितने उसके रोटेशंस किए। आपको न्यूमेरिकल में ये भी गिवन होता है, आपको न्यूमेरिकल में ये भी गिवन होता है, तो क्या आ जाती है पिच। और कभी कभी तो पिच ही गिवन होती है, राइट। नहीं गिवन तो निकालनी पड़ेगी, गिवन है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको निकालना होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कल के ऊपर दो स्केल है, एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर्कुलर की। तो ये रेशियो से लीस्ट काउंट आएगा। जैसे अब पिच अ स्क्रू इज 1 mm, 1 mm का स्क्रू है जो है पिच है, एंड सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो। कैसे रीडिंग लेनी है, इसका फॉर्मूला आपको ये दे दिया बॉक्स में। रीडिंग करेक्ट आएगी a इंटू पिच, पिच तो ऊपर से निकालनी पड़ेगी गिवन डेटा से, और इंटू a, a का मतलब है कौन सी रीडिंग, अंडरलाइन कर मेन स्केल डिवीजन, यहां लिख लो a का मतलब मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिच से, प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n का मतलब कौन सा स्केल है, सर्कुलर, अंडरलाइन कर लो सर्कुलर स्केल डिवीजन, या लिख लो सर्कुलर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को पिच से मल्टीप्लाई करना है और सर्कुलर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो करेक्ट रीडिंग आएगी। फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक। आगे अब इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया हो सकता है कि यहां पर ये जीरो कोइंसाइड ना करता हो, या तो जीरो ऊपर होगा या जीरो नीचे होगा। तो अगर तो जीरो कहां पर होगा, अगर जीरो मान लो ऊपर होगा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, उस केस में एरर जो होगा वो नेगेटिव एरर होगा। नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव एरर, जीरो एरर नेगेटिव एरर है। और इसमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन क्रॉस्ड, यानी कि कौन सा टिक मैच करेगा इसके साथ, कोई तो करेगा, पांचवा छठवां जो भी मैच करेगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव एरर आएगा। लेकिन एंड में नेगेटिव एरर को क्या करना पड़ता है, प्लस, रीडिंग में प्लस करना पड़ेगा। तो अगर ये जीरो ऊपर नेगेटिव है, अगर ये नीचे रह गया तो कौन सा एरर है, पॉजिटिव। फॉर्मूला वही है इसका भी, पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है। कौन सी रीडिंग पीछे रह गई, इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर की तरह नहीं है, 10 में से माइनस करने वाला, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही रूल है, बस कौन सी रीडिंग मैच करती है इनटू लीस्ट काउंट, याद रहेगा। ये फॉर्मूलास क्लियर है, इस फॉर्मूले के बेस पे पहला न्यूमेरिकल, अ स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, चलो अच्छा हो गया, हमें पिच दे दी, सॉल्व नहीं करनी पड़ी, पिच दे दी, एंड सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन दे दिए, राइट। इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट टू जॉज ऑफ स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, 5th डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, यानी कि नेगेटिव जीरो एरर, जीरो मैच कर गया तो एरर नहीं है इसमें। और वट इज द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द मेन स्केल रीडिंग, what is the thickness of the sheet if the main scale reading is given and 25th division coincide with the main scale line। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इस question के अंदर सबसे पहले least count तो निकालना ही पड़ना है, ये तो बात पक्की है। और final formula reading में होता क्या है, main scale division, जो main scale division है, और rather यहीं से start करते हैं least count से, ये better रहेगा। least count क्या होती है, formula लिखा था वो, pitch divided by number of सर्कुलर डिवीजन। तो पिच हमें पता है, सर्कुलर डिवीजन पता है, हमें क्या आ गया, लीस्ट काउंट की वैल्यू पता लग गई, राइट। लीस्ट काउंट पता लग गया, नेगेटिव जीरो एरर जो कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, करीब पांचवें, तो जो एरर है, वैसे इसमें
लिखा था इसमें नेगेटिव एरर लिखा था, जीरो एरर लिखा था उसमें, ब्रैकेट में लिखा हुआ था नेगेटिव एरर। ओके, तो नेगेटिव एरर का मतलब पांचवी रीडिंग को इंसाइड करिए इनटू लीस्ट काउंट, तो एरर आ गया। ये एंड में प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो प्लस होगा ही होगा इसमें। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेन स्केल रीडिंग तो सीधी गिवन ही है, कितनी 0.5 मेन स्केल डिवीजन मुझे पता है, मतलब वो जो मैंने फॉर्मूला करवाया था पहले उसके अंदर तो वो ए इंटू क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन क्या था, फॉर्मूला चेक करना, ए इंटू पिच, वो एक्चुअल में जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो मेन स्केल डिवीजन की करेक्ट वैल्यू ही आ जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, ये वैल्यू तो आ गई और प्लस क्या था, एन इंटू लीस काउंट, लीस काउंट कितना है इसमें, इतने, और एन का मतलब कौन सा टिक मैच करेगा, 25 में टिक मैच करेगा। तो अगर तो मेन स्केल रीडिंग सीधी गिवन है फिर तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, नहीं गिवन पिच से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो देखना पड़ेगा कि कैसे लगाना है। एरर एंड में ऐड हो गया आंसर। ये क्वेश्चन तो मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो आया हुआ इस साल 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है स्क्रू गॉज, पांच कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू गॉज मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25। तो लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा लीस्ट काउंट, 0.25 डिवाइडेड बाई 5 पिच निकलेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिच क्या होती है, 0.25 लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कितने चक्कर हुए, कितने, 5 पिच। पिच को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से। ये देखो पिच को डिवाइड किया नंबर ऑफ सर्कुलर, ये रहा मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस को पिच बोलते हैं, और फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, आपकी असाइनमेंट में ज्यादा क्लियर होगा इसमें, राइट। तो ये समझ में आ गया यहां, तो ये क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, राइट। अब वो क्या कह रहा है, जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने अपने असाइनमेंट में दिया था, ए इंटू ए का मतलब इसमें मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी है इसमें, चार डिवीजन मेन स्केल, इंटू पिच, पिच आ गई ठीक, ये पिच है 0.25/5 पिच है, और 30 का मतलब इसमें क्या है, 30 सर्कुलर स्केल इंटू लीस्ट काउंट, इंटू लीस्ट काउंट, तो आंसर आ गया। कोई एरर इसमें, एरर वाला कुछ था नहीं, सीधा आंसर आ गया। वेट कर, पॉइंट समझ में आया तक पहले बताऊ, ये तो आसान आया, एरर दिया नहीं उसने, सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। तो जिसने ये असाइनमेंट किया है, फॉर्मूला किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो फिर भी घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि बस असाइनमेंट सुनियो चले गए, रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट बस क्लोज करेंगे इसे, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, दो फिर द्वारा एक और क्लास लगानी पड़ेगी, मर्जी आपकी, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी के अभी खत्म कर दो, मेरी बात मानो। मैं स्फेरोमीटर, ओके स्फेरोमीटर मैंने कभी देखा नहीं आता हुआ आज तक, स्फेरोमीटर चाहो तो अपने लेवल पे कर सकते हो। इसमें बता देता हूं फर्क सेम है, एक रीडिंग एरी एक स्केल ये रहा, जीरो को इनसाइड करना है, बिल्कुल जो अभी किया हमने स्क्रू गॉज, और ये जो स्क्रू गॉज बिल्कुल वैसा ही चलता है, एक बार खुद देख लेना स्फेरोमीटर, देख लेना फॉर्मूला भी रिवाइज करने हैं, इसका न्यूमेरिकल डाल भी दिया मैंने स्फेरोमीटर का। ईएम वेव ज्यादा जरूरी है यार, ये बड़ी काम की चीज है, ये तो एक नंबर पक्का दिलवाएगा ही आपको, और ये होएगा नहीं अगर मैंने नहीं बताया आपको, ये भी बता दूं आपको, ये अच्छा होगा। इसने मैं इससे पूछ लिया और मैंने देख लिया पुराने पेपर, और 100% है, उसमें से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो नहीं सकते आपसे, मुझे लगता है कि शायद, दिल रखने के लिए बोल रहा हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला उसमें से, एक को छोड़ के, एक तो ठीक था, तो एक बार देख ही लेते हैं, मे बी ईएम वेव में से कोई बढ़िया क्वेश्चन इसमें से आई जाए और मजा ही आ जाए। देखो ईएम वेव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं।